पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट है। जब मैं टॉप कहता हूं तो ए प्लस कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अलबदर का 1। 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए, 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी पुलिस बीएसएफ सब लोग शामिल हैं उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा। और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है। कहूंगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए, मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, एक महीना भी रही और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे मगर उनकी जान जो है इन एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं और मारे जाते हैं उससे उनकी जान बची। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने कानून के दायरे में लाया है, बहुत सारे हमारे निशाने पे हैं उनको आने वाले वक्त में कानून के दायरे में लाया जाएगा। को कहते हुए तकलीफ महसूस होती है कि हमारे 20 बहादुर पुलिस के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, 20 जवान दहशतगर्दी के खिलाफ लोगों के हक में काम करते हुए, अमन के लिए काम करते हुए शहीद हुए। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। 23 और जवान जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं उनकी शहादत हुई, हम सब उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैसे मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी SF किलिंग इस साल के दौरान हुई उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है। काफी बड़ी तादाद में UAPA के तहत केस रजिस्टर किए गए, 497 तादाद है केसेस की जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में ना सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं
बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लैंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे, 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है।